है जी, अगर कोई शख्स मुतमइन होता है तो उसका काम पूरा कर दिया। यही सूफिया और अवाम में उलमाए जवाहिर में फर्क है कि इनकी ये रायगां कोशिश साये नाकाम, इसमें खलूस और अकल नहीं। क्योंकि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब हजरत सुल्तानुल मशायख निजामुद्दीन औलिया को अपनी खिलाफत से नवाजा और खिलाफत नामा लिख कर दिया, तो उसमें एक खास जुमला आपने उससे पहले फरमाया कि ऐ निजामुद्दीन, खिलाफत के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। एक इल्म, सबसे पहले इल्म, इल्म दीन, इल्म शरीयत, कुरान और सुन्नत का इल्म। दूसरे नंबर पर अक्ल, कि इंसान की अक्ल हो, हिकमत हो, दानाई उसमें हो कि वो इस उस इल्म को खर्च करे, सर्फ करे। क्योंकि सादिये शिराज ने कहा था कि यक मन इल्म रा दह मन अकल बायद, एक शेर इल्म हो तो उसको खर्च करने के लिए 10 शेर अकल चाहिए। एक शेर अकल को, इल्म को खर्च करने के लिए, तकसीम करने के लिए लोगों में, क्योंकि लोगों के जहन मुख्तलिफ हैं। यहां कमरे में 50-60 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी बैठा है, तो इन सब का मेयार जहन एक नहीं है। कोई जहीन है, कोई गबी है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल है, कोई किस अंदाज का है, कोई किस तरह से बात समझना चाहता है, कोई किस जहनीयत का है। तो वो शेर इलम का जो है वो एक ही है, तकसीम हमने मुख्तलिफ लोगों पर करना है। तो अब ऐसी तकसीम हो कि कम अज कम मुख्तलिफ अगर लाख जेन भी हो तो उनमें जो मुश्तरक सिफत हो कि अक्सरियत उन जो पॉइंट की गुफ्तगू है और वो मकामात की बातें हैं उनको समझ सकती है, तो वो बातें की जाए ताकि अक्सरियत उसको समझ जाए, फिर उनमें रगबत हो। तो एक मन, एक शेर इलम की तकसीम करने के लिए 10 शेर अकल चाहिए। अब आज के हमारे अक्सर उलमा में इलम 10 मन है तो एक पाओ अकल है, एक पाओ या डेढ़ छिटांक अकल है। इलम 10 शेर, अकल 2 छिटांक। 2 छिटांक अकल जो है वो 10 शेर इलम को कैसे तकसीम करेगी, वो तो खुद उसको समा ही नहीं सकती। अक्सर लोगों का यही हाल है। तीसरा फरमाया कि इश्क, इश्क चाहिए, अंदर एक तड़प चाहिए। इश्क क्या है? तड़प है। अब देखेंगे परवाना जो है ये किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पास है, एक परिंदा है, उसमें क्या है? और वो ये तो नहीं है आपकी तरह सांस लेता है, उसका मैदा है, उसका निजाम हजम है, और वो खाता पीता है, उसका वो भी पानी पीता है। क्योंकि जो चीज सांस लेती है वो पानी पीती है, पानी के सिवा जिंदा नहीं है। कुरान ने फरमाया कि हमने हर चीज को पानी से जिंदा किया, तो जाहिर है कि फिर कुरान के इस मनसूस हुक्म के मुताबिक हर चीज पानी पीती है, जो हिलती है, जो सांस लेती है वो पानी पीती है। लेकिन परवाना जो है उसमें एक तड़प है कि एक मखसूस किस्म की लाइट उसके सामने आ जाए तो परवाना लपक कर उस पर मरता है। तो उसको तालीम कौन देता है? कोई मौली साहब दरस देते हैं, कोई पीर साहब पढ़ाते हैं उसको, किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है? तो उसके अंदर जो उस लाइट की तरफ तवज्जो और मोहब्बत जो है उसकी फितरत में रख दी गई है, इसको इश्क कहते हैं। एक मिसाल है, इसको इश्क कहते हैं। तो अगर वो तड़प इंसान के अंदर न हो, वो जज्बा इंसान के अंदर न हो, वो मोहब्बत इंसान के अंदर न हो, तो वो एक परिंदे से, एक जानवर से भी कमतर है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? जरा गौर से सुन लें, गौर से सुन रहे हैं ना? लुत्फ आ रहा है कि नहीं?
हाँ आ रहे हैं ना। हाँ मैं वो मौलवियों वाला शोर शराबा और वो सब कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरा ये दानाई की गुफ्तगू मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बहरहाल ये चीज जो है इस दौर में खास तौर पर ये कमी है कि हमारे सामीन में जहां रगबत नहीं है कुरान और सुन्नत और अहकाम इलाहिया को सुनने की, लोग कारोबार में फंसे हैं, दुनिया के झमेलों में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा वक्त अल्लाह रसूल को भी लोग दे देते हैं। अब ये हाल है लोगों का, तालीम खत्म हो गई, अंग्रेजी पढ़ गए, तालीम जो है बस। कितने लोग हैं जो ऐसे सालाना और जुमरात और चेलम या ऐसी महफिलों में, वैसे महल्ले के जो हवाला है एक कुर्ब का कि पड़ोसी हैं, चले जी फलां साहब ने बुलाया है चले जाएं, लेकिन उनके अंदर जो है वो न ज़ौक है, न तालीम है, न कुरान और सुन्नत से रगबत है, बल्कि उनका जो एक मेयार नज़र है वो मगरबी तालीम है। इस मीडिया के दौर में वो चाहते हैं कि माली तौर पर वो तरक्की हासिल करें, दुनिया में नाम पैदा करें, कौन दीन की तरफ रगबत करे, मौलवियों और पीरों की दुनिया में कौन जाए, ये ख़त्म नमाज रोज़े और ये सब कुछ कौन करे। इन झमेलों से हम बहुत दूर हैं, लोग कहते हैं हम बड़े तंग आ चुके हैं। अक्सरियत जो है अंदर का लोगों का, आज के नौजवान का और जो ये तबका पड़ा हुआ है ना, उसका दिल ये फारग है इस तरफ से, दीन से फारग हो गया। ये मगरबी तालीम के असरात हैं कि जिसने हमें कुरान और सुन्नत से दूर कर दिया। हमारे दिल में जब कुरान नहीं है, कुरान का फहम नहीं है, तो हम रसूलुल्लाह की हदीस को क्या देखेंगे। जब हमें कुरान की तरफ रगबत नहीं, हम मंजिल नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले उठकर सुबह अखबार पढ़ते हैं हम, हमारी माएं बहनें, हमारी नानियां दादियां, हम छोटे छोटे होते थे तो घरों में सबसे पहले उठकर कुरान पढ़ती थी, नमाज के बाद कुरान पढ़ती थी, मंजिलें पढ़ती थी। अब जनाब टीवी आ गए हैं, अब प्रोग्राम लगा हुआ है, बच्चे इसरार करते हैं कि टीवी लगाओ, ये है वो है। अब घर वाले छोटे तो क्या, बच्चे भी बड़े भी जो हैं वो भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने भी कुरान शरीफ छोड़ दिया। अक्सरियत इल्ला माशाल्लाह, कोई पढ़ता हो तो मैं नहीं कह सकता। तो जब ये हाल हो, माशरा इस तरह बिगड़ चुका हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं, अल्लाह के अहकाम की तरफ तवज्जो नहीं, कुरान की तरफ रगबत नहीं, कुरान फहमी का शऊर नहीं, जौक नहीं, तो उनको इंसान उस माशरे में मौलवी बेचारे क्या बोले। मौलवी अपनी तरफ से तबलीग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग इस काम से में डालकर इस तरफ से निकाल देते हैं। बस नशिस्तन दो गुफ्तन दो बरखास्तन, बैठे बात की सुनी और उठकर चले गए, झाड़ कर बस खत्म। एक महफिल थी, चलो जी उसमें कुछ वक्त गुजारा हमने, बस ठीक है, इनको भी पूरा कर दिया और एक महल्ले का एक रस्म भी निभा दी, चलो जी हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। बस इस हद तक लोग पूरा करते हैं अल्लाह और रसूल को। तो अब क्या चाहिए हमें। मैं ये जो अफसोस की बातें कर रहा हूं, ये सिर्फ इस महफिल के लिए नहीं मैं मखसूस बात कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं जर्नल बात कर रहा हूं कि हर तरफ अब हम खानकाह के लोग हैं। हमारे पास लाखों का मजमा होता है, लाखों का मजमा होता है, लेकिन सब दुनियादार होते हैं, कोई आदमी काम का नहीं। पहले लोग उठकर महफिल सिमा में रक्स किया करते थे, बड़े बड़े अहले इल्म उन पर वज्द तारी होता था, वो रोते थे अल्लाह और रसूल के इश्क में और मकाम में। मेरे दादा साहब हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे लोगों के जो महफिल होती थी उसमें अक्सर आप उनके वज्द के औकात में एहतरामन खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमारे सूफिया के नजदीक जब ऐसी महफिलों में कोई साहिब हाल पर ये वज्द कैफ की कैफ